जय सियाराम। हाँ माता जी को आने दो। साधु जी, अरे नेपाल के पागलो, हाँ कैसे हो हमारे पागलो? अरे ये जो चश्मा सिर पे रखे, ये बहुत बदमाश बैठा है, इसे बुलाओ। ये जो तुम नहीं, तुम बैठो, तुम वो पीछे वाला, हाँ जिसने दो उंगलियां खड़ी की, यस, अरे वो हाँ हाँ हाफ टी शर्ट पहन, ये बहुत बदमाश है, आइए सारे, बहुत बदमाश, हाँ वो है ना वो, हाँ बुलाओ इसको। हाँ नक कटा आगी के लगे, आ हाँ हो, चश्मा लगाए रहो, इसको बोलो चश्मा लगाओ, आइए। राम, शोर ना मचा भैया, ज्यादा से ज्यादा अर्जी लगे। और अच्छा जो बताओ, बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? अभी सब लोग बैठे, अभी हम सबकी सामूहिक अर्जी भी लगाएंगे। हाँ बिना पर्चा बने भी काम सफल हो जाएगा, सबकी अर्जी लगाएंगे, बैठ जाओ। अच्छा कथा में कौन कौन आएगा, हाथ उठाओ, पक्का पक्का? और कल, कल भी आना, हाँ। अबे भूतन को भी दरबार लगाऊंगे, लगाएंगे लगाएंगे। क्या बात है, पढ़ी लिखी हो आप? ऐसो बैठो, ऐसो ऐसो ऐसो, माइक ले लो, कहां से हो? यही नेपाल? आप पढ़ी लिखी हो? नहीं, चलो हम बोल रहे, शरीर में दर्द, कंधों में हाथ में पीड़ा, पैरों में दर्द, मुंह में दिक्कत बन जाती है, परिवार सुखी नहीं रहता, लड़ाई कलेश बहुत होता है, सामंजस्य बनेगा तुम्हारा दर्द पीड़ा ठीक हो जाएगा। जय हो, माइक से बोलो, क्या सही बात है ये? हेलो, हाँ हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही? हेलो हेलो, हाँ माता जी आवाज आ रही? हेलो हेलो, हाँ हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही? हेलो हेलो, उस तरफ मुंह करो, हेलो 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 हेलो, कान में लगाओ माता जी, कान में लगाओ, उस तरफ मुंह करो, उस तरफ मुंह करो, हेलो हेलो, दिखाइयो माता जी आवाज। ओए भाई साहब तेज कर, ओए तेज कर, तेज कर, आवाज नहीं आ रही माता जी को, नालायक मूरख, तेज कर। अब कान में लगाइयो, कान में, उबाले में लगाओ, उबाले में, हेलो, हाँ अब बोलो तना माइक, हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो, नेपाल से बोल रही माता जी? नेपाल से तुलसीपुर दांग तुलसीपुर बोले, आवाज आ रही? बोलाएको देशी बात धेरै के जान्दिनँ गुरु, माफ गरिदिनु, क्षमा दिनु मलाई, मेरो सब परिवार भरिले हजुरको क्षमामा प्रणाम छ, हजुरले प्रणाम गर्नुहुन्छ, हजुरको क्षमा पाऊँ, हजुरको म देशी बात बोल्न जान्दिनँ गुरु, हजुरको पर हजुरको धाममा म जसरी भ्यायो भने पुग्ला, मैले छाया गर्छु हजुरको, म छाया जम्मा सेवा चाकरी गर्छु, म देउतैको होमा, मलाई सब लाग्छ, अरू मेरो परिवारभरिलाई, मेरो परिवारभरि सब खुसीसँग बस्न पाउन्, त्यति छ गुरु। म भन्दा केही देशी बात आउँदैन गुरु मलाई, अनि म त सोचिउँदी क्या हुँ, मेरो परिवारभरिले शान्ति चाहन्छ, शान्ति मेरो परिवारहरूलाई, सुखी शान्ति। जय श्री राम, जय श्री राम। तो माता जी, हजुर माता जी भी हंस गई। अच्छा शरीर का दर्द ठीक हो जाए, ठीक, धन्यवाद, मुट्ठी बांध के खड़ी हूँ। अबे भी दर्द है शरीर में, है मुट्ठी बांध लो दो, अब भाई लो हम, अब ये करे तो
राम गुरुजी सीताराम दोनों हाथ ऐसे मलो ऐसे लगाओ तीन बार स्थान छोड़ दो थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दो अब कैसा है दर्द कैसा है ठीक है आराम है जाओ अब ठीक ही रहोगे आशीर्वाद ये है माई हजुर गुरु आशीर्वाद सबलाई राम्रो होस् मलाई मेरो परिवार भरलाई धन्यवाद हजुरको सबको भन्ना के दाउदैन के गरु जो बताओ जी गाली तो नहीं दे रहे हजुर हैं गाल होइन हैं क्या दे रही धन्यवाद आशीर्वाद आशीर्वाद थैंक यू अब इस बात पे अब वैसे तो हमारी एक मैया भारत में है एक मैया सामने बैठी लो ये तुम ले लो और ये भी ले लो ये दक्षिणा भी ले लो खर्चा इंडियन रुपीस माता जी ये पर्चा ले लो कुछ और तुम भी निकालो दक्षिणा भारतीय रुपया निकालो हाँ ये भी ले लो ये भी ले लो नहीं नहीं ये भी ले लो और ये भी ले लो ले ये भी ले लो ये भी ले लो ले आओ ले आओ ले आओ लो ये भी ले लो अब फिर से आशीर्वाद दे चलिए आइए अगला नंबर जय ईश्वर अगला नंबर यो नारियल है घर पे रखना पूजा मंदिर में हाँ घर पे फिर बागेश्वर धाम आना एक बार हाँ जय श्री उस तरफ हाथ हला दो ऐसो उस तरफ जय नेपाल नेपाल आमा को बस माता जी बस ज्यादा आशीर्वाद हो जाए फिर हाँ चलो मत बता जय हो आया हाँ दोनों हाथ उठा बोलो बागेश्वर धाम की हाँ भाई साहब सीताराम जय हो माननीय दादाजी अच्छा आप लोग दादाजी समझते हो हाँ समझना ही पड़ेगा आओ माता जी इस तरफ मुंह करो ऐसी घूमो इस तरफ मुंह करो हनुमान जी की हाँ बालाजी हैं ये इन्हीं से तो हमें पता लगता है माइक ले लो माइक में नहीं बोलेंगे कहाँ से हो नेपाल में हमें समझ में नहीं आ रहा यही नेपाल में ही है हिंदी आती है आपको धनगढ़ी बस्ती अच्छा अच्छा होगी पूछो
शादी करा और 60 वर्ष हो गया, मेरी जिंदगी ऐसी ही है। एक लड़की है, लड़की को भला देना भुला देना, दो नतनी है, एक नाती है, लड़की तो है, लड़का दो होकर बीता है। और श्रीमान जी दूसरी शादी कर दिया है, मेरी शिष्य है, मैं इकली हूँ, इकली जीवन बिताती हूँ। 58 साल में महाराजी ने हमको बैतड़ी से भगाया, फिर दंगड़ी आकर हम बताते हैं क्या कारण है। हमारे पर्चे में लिखा है, रो ना, आप पढ़ी लिखी हो ना, थोड़ा ऐसे करो, ये पढ़ो। तबीयत ठीक रहेगी, मन अशांत रहता है, भक्ति में मन स्थिर नहीं, चिंता बहुत सताती है, शरीर में दिक्कत बनने लगती है, आपको लगातार धोखा मिले हैं, आपके पति ने 2 शादी की है, बराबर छोड़ दिया है, मन में हमेशा खिन्नता बनी रहती है, आगे जीवन उन्नत होगा एवं प्रभु का साक्षात्कार आपको हो जाएगा, आप चिंता ना करें, आशीर्वाद है। पर इतना सरल नहीं है, डूबना पड़ेगा भक्ति में। बिल्कुल बेटी भी है, बेटी है, दो नाती है, एक नाती है, एक नाती है। अरे वाह, राम साधु जी, आपका मन खिन्न नहीं रहेगा, आत्म साक्षात्कार 100% होगा, घुटना व पेट की पीड़ा ठीक होगी, घुटना व पेट की पीड़ा बनती, कंपन दूर होगा, पूर्व में किसी शक्ति ने आपको जकड़ भी लिया था, आपको जकड़ भी लिया था, वह हरकतें विचित्र करने लगी थी, शरीर में अलग अलग तरीके से उपद्रव करने लगा था, कपाने भी लगा था, कंपन वाइब्रेशन करने लगा था, अब कंट्रोल हो गया। जब से आपने शिव साधना की, भगवान शिव की ही आप साधना करिए और जाओ, आत्म साक्षात्कार गुरु कृपा से हो और आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आशीर्वाद है। स्वामी जी की जय, श्री राम की जय, जय बाबा। बात एकदम सही, बस माँ माँ बस एकदम सही, हमारा नहीं उनका, ये सब उनका प्रताप है, हम तो माध्यम है, बस हम नेपाल के लोगों को ये बताना चाह रहे कि जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, उनके लिए यह बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार झन्नाटेदार तमाचा है।